ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, एंड ये एक क्लास जो है हमारे प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन है। तो वहाँ तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी थी उसके आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। हमने उसका फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव नेम्ड द टॉपिक एज इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर पार्ट टू। पार्टिकल रेंज के बारे में सब टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सब टॉपिक पार्टिकल रेंज, और मेन टॉपिक जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ हेवी चार्ज पार्टिकल्स। इसमें देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ये दिख रहा है डॉट, ये जो सोर्स जो है जो ब्लैक डॉट जो बना हुआ है, राइट। और ये मटेरियल जो है ऐसे जो करके बनाए हुए शील्डिंग मटेरियल होते हैं, शील्डेड है बेसिकली, करेक्ट। और यही की ओपनिंग्स है, राइट। इस ओपनिंग से जो होगा जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, राइट। अब अल्फा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अल्फा पार्टिकल जो है किसी भी मैटर से होकर के गुजरता है तो वो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, दैट वी नो ऑलरेडी, करेक्ट। तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखो एक टी थिकनेस का यहाँ पे एक मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। एक हमने क्या कर दिया, एक मटेरियल लगा दिया जिसको मैटर हम बोल रहे हैं, और उसका थिकनेस जो है वो कितना है, टी है। और इस टी थिकनेस के बाद हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, और डिटेक्टर के ज्योमेट्री में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे यदि, तो ये देखिए ये लाइन मैं स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये देख रहे हो है? लगभग ये सोर्स का जो विड्थ जो है, जहां से सोर्स की ओपनिंग, यहां से जो भी बीम आ रही है उसी के बिल्कुल लाइन में डिटेक्टर लगा हुआ, आप समझ रहे, करेक्ट। अब अल्फा पार्टिकल जो है यहां से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगा, और ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी जो है उसमें भी वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करता है, क्योंकि हमारा अभी तक हमने यही नेचर क्या देखा अल्फा पार्टिकल का, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, करेक्ट। तो जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा यहाँ पे, तो जो भी अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस करके बाहर निकलेगा वो जाकर के यहाँ पे हिट करेगा डिटेक्टर पे, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, बिकॉज यही लिखा है कि बिकॉज द ट्रैक्स थ्रू द एब्जॉर्बर आर क्वाइट स्ट्रेट, द टोटल नंबर दैट रीच द डिटेक्टर रिमेन्स द सेम। क्या अल्फा पार्टिकल जो इस डिटेक्टर पे रीच करेगा इट विल रिमेन सेम, क्योंकि इसके ये इससे बाहर नहीं जा रहा। ऐसा मान लो कि ऐसा होता कि कोई भी पार्टिकल यहाँ पे ऐसा होता कि जो यहाँ इसके अंदर घुसने के बाद ये इसका पाथ चेंज हो जाता, राइट। तो यदि मान लो कि इस टाइप से यदि वो पहुंचता बाहर निकलता तो उस केस में डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं होता, करेक्ट। एंड यदि मान लो कि ऑलवेज इट इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो हर बार क्या करेगा, वो डिटेक्ट जो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा इस मटेरियल से, राइट, वो सारे के सारे जो होंगे वो ऑल विल बी डिटेक्टेड बाय द दिस डिटेक्टर, क्लियर। तो ये बात ही बोल रहा है यहाँ पे, बिकॉज द ट्रैक्स थ्रू द ऑब्जर्वर आर क्वाइट स्ट्रेट, राइट, द टोटल नंबर दैट रीच द डिटेक्टर रिमेन्स द सेम। मतलब जो अल्फा पार्टिकल जो डिटेक्टर के पास जो पहुंचेंगे दे विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा अल्फा सोर्स है तो यहाँ से एक एक पार्टिकल इमिट होएगा, मतलब तो एक एक जो डीके होएगा तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, वो अल्फा पार्टिकल जो होगा इसको क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाकर डिटेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। यदि इसको पूरा का पूरा क्रॉस कर गया, मान लो कि 10 निकले और 10 में से दो रुके, मान लो 8 चले गए, तो 8 जो होंगे वो डिटेक्ट होंगे। डिपेंडिंग ऑन इट्स थिकनेस ऑफ द मटेरियल
जो होगा यहाँ पे डिटेक्शन होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसके बात कर रहे थे हम। यहाँ देखिए, नो एटीन्यूएशन इन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल टेक्स प्लेस अंटिल द एब्जॉर्बर थिकनेस अप्रोचेज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रैक इन द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। क्या बोला यहाँ पे? नो एटीन्यूएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल टेक्स प्लेस। अल्फा पार्टिकल का कोई एटीन्यूएशन नहीं होता, कब तक? अंटिल, जब तक कि क्या एब्जॉर्बर थिकनेस जो होना चाहिए, ये टी जो है, जो जो थिकनेस जो है आपका ये, अंटिल द एब्जॉर्बर थिकनेस अप्रोचेज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रैक इन द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल में यहाँ पे जो कोई भी मटेरियल होगा, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? हमने क्या किया, यहाँ पे एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल बनाया और एक अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आकर के जाकर रुक जाता है, दूसरा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आकर रुकता है और तीसरा अल्फा पार्टिकल जो है अप टू दिस मच डिस्टेंस ओनली इट ट्रेवल्स, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट ट्रैक कौन सा होगा? ये वाला ट्रैक होगा, ऊपर वाला, राइट। तो यही बोल रहे हैं कि नो एटीन्यूएशन इन द अल्फा पार्टिकल्स टेक्स प्लेस अंटिल द एब्जॉर्बर थिकनेस अप्रोचेस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रैक। मतलब इससे कम यदि थिकनेस होगा, इससे कम थिकनेस होगा तो एटीन्यूएशन नहीं होगा, सारे का सारा अल्फा पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, क्रॉस ट्रांसमिट हो जाएंगे। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हो जाएगा, इतना मटेरियल का जब थिकनेस होगा शॉर्टेस्ट ट्रैक के बराबर होगा, तब जाके एटेन्यूएशन शुरू होगा अल्फा पार्टिकल का। गॉट इट? सो दैट्स व्हाट इट मींस, क्लियर नाउ? राइट। इंक्रीजिंग द थिकनेस, उसके बाद इंक्रीजिंग द थिकनेस देन स्टॉप्स मोर एंड मोर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिटेक्टेड बीम ड्रॉप्स रैपिडली टू जीरो। उसके बाद क्या होता है कि उससे थिकनेस और जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मोर एंड मोर अल्फा पार्टिकल्स स्टॉप्स और रुक जाते हैं, और एक आता है, एक टाइम आता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द डिटेक्टेड बीम, जो यहाँ पे डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है जिस इंटेंसिटी को, दैट ड्रॉप्स टू जीरो, जीरो, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें इसमें देखते हैं, इस फिगर के लीजेंड को पढ़ते हैं। इस फिगर के लीजेंड में क्या, एन अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट है, राइट। आई इज द डिटेक्टेड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू एन ऑब्जर्वर थिकनेस टी, राइट। ये ऑब्जर्वर का थिकनेस टी है और यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ है, राइट, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसको किससे डिनोट किया, आई से डिनोट किया है। वेयर इज आई जीरो इज द नंबर ऑफ डिटेक्टेड विदाउट द ऑब्जर्वर। यदि कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं है, वाइल रिमूव, इसको हटा दिया मटेरियल को, और तब जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हुए हैं, राइट, वो नंबर क्या है, आई जीरो है, ठीक है जी, राइट। विदाउट द मीन रेंज, एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, मीन रेंज जो है अल्फा, सॉरी आर एम, इट इज मीन रेंज इज डिनोटेड बाय आर एम एंड एक्सट्रापोलेटेड रेंज आर ई आर इंडिकेटेड। तो दो तरह का रेंज की बात कर रहा है, पहला चीज रेंज, जब भी हम पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का रेंज की बात करते हैं या हेवी चार्ज पार्टिकल के रेंज की बात करते हैं, वहां पे दो टर्म आता है, एक पहला टर्म क्या है, मीन रेंज, और दूसरा जो है एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। अब मीन रेंज और एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज क्या है, राइट। अब देखो इस ग्राफ में, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस ऑफ मटेरियल, राइट, थिकनेस ऑफ मटेरियल इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इंक्रीज होगा, तो आई डिवाइडेड बाई आई जीरो, मतलब नंबर ऑफ
number of alpha particle detected with material thickness t divided by I zero है, divided by without any absorbing material. तो without absorbing material वो ये value हमेशा fix रहेगा. सिर्फ I का value जो है change होएगा, right? तो denominator क्या हुआ, वो fix हो गया. और I का value जैसे जैसे drop होएगा, right? Correct? वो क्या है कि ये भी value I divided by I zero भी drop होएगा, right? So, थिकनेस आप बढ़ाते गए तो देखो यहाँ पे क्या है, एक लंबे समय एक पर्टिकुलर थिकनेस तक क्या है, I डिवाइडेड बाई I जीरो जो है वो मैक्सिमम है. इसका मतलब मान लो ये यूनिटी है, लेट्स से इट इज वन है, तो वन है मतलब ये थिकनेस जो है वो सफिशियंट नहीं है कि उसको स्टॉप करने के लिए, करेक्ट. इसलिए यहां से यहां तक उसको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला. अब जैसे इससे हमने थिकनेस बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद देखो क्या हुआ, सोल्डरिंग हुआ, इसका सोल्डर की तरह धीरे 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 इंक्रीज किया, करेक्ट. और यहां आने के बाद राइट सडनली क्या हो रहा है, यहां पे आने के बाद एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद यहां पे जाकर के ड्रॉप हो रहा है, जीरो हो रहा है, करेक्ट. तो ये वन है तो इसका 50% 0.5, ये जो वैल्यू जो आएगा, जो 50% रिडक्शन होगा तो थिकनेस क्या है वो यहां से ड्रॉप डालना है, राइट. वो बनेगा उसका मीन रेंज आरएम का वैल्यू, समझ गए. अब ये 50% के बाद ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां के बाद ये कर्व जो है, एक तो लाइन आपको 50% का मिल गया और उसके बाद ये लाइन जो है वो धीरे 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 क्या हो रही है, राइट, कर्व ले रही है, कर्व ले रही है ना. इसको जब एक्सट्रापोलेट करोगे, इसको यहां से स्ट्रेट लाइन जब खींचने की कोशिश करोगे, राइट, इस पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं ये जहां ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन जो है यहां तक स्ट्रेट लाइन है, समझ गए. इस लाइन से जब तुम खींच रहे हो ये वाला पॉइंट, तो ये थिकनेस जो होगा ये टोटल वो एक्सट्रापोलेटेड थिकनेस होगा. आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिगर देख के नहीं आ रहा है. देखो ये 50% का लाइन आरएम हो गया. अब उसके बाद कर्व जो है वो डिफरेंट शेप ले रहा है, राइट. अब इससे होकर के एक टेंजेंट खींचना है, समझ गए, जो मीन से होकर के गुजरेगा, ये मीन और इससे. तो ये लाइन जहां पे ये मतलब बेसिकली ये स्ट्रेट पोर्शन ये देखना है, यहां से एक ड्रॉप डाउन खींचना है लाइन, ये जो होगा वो एक्सट्रापोलेटेड रेंज होगा इसका, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ओके. आगे चले, ओके. द मीन रेंज इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्वर थिकनेस दैट रिड्यूसेस द अल्फा पार्टिकल काउंट टू एक्सैक्टली 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू इन द एबसेंस ऑफ ऑब्जर्वर. मतलब जो एबसेंस ऑफ ऑब्जर्वर में जो काउंट था उसका एग्जैक्टली आधा जिस पर्टिकुलर थिकनेस पे होएगा वो थिकनेस जो होगा वो मीन रेंज होगा, जो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, दैट फर्स्ट द मीन रेंज बोला डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्वर थिकनेस that reduces alpha particle count to exactly half of किसके of its value in the absence of observer. मतलब I zero का absence of observer में जो count था उसका exactly half, right, वो होगा thickness, ठीक है, clear, right. Another version that appears in the literature is the extrapolated range. वो क्या होगा? Which is obtained by extrapolating the linear portion of the end of the transmission curve to zero.
ठीक है, वो वही वाली बात कि ये क्या बोला, अनदर वर्जन जो है वो क्या है, एक्सट्रापोलेटेड रेंज है, और वो कैसे मिलता है, विच इज ऑब्टेंड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द लीनियर पोर्शन ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन कर्व टू जीरो। समझ में आया? नहीं? या आई नो, मुझे पता है डाउट है रिकॉर्ड। ये देखो एक्सट्रापोलेटेड रेंज जो है ना, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, विच इज ऑब्टेंड बाई एक्सट्रापोलेटिंग द लीनियर पोर्शन, लिखा है राइट, एक्सट्रापोलेटिंग द लीनियर पोर्शन। अब कौन सा लीनियर पोर्शन है, देखो ये लीनियर पोर्शन है इसका, राइट, एक्सट्रापोलेटिंग द लीनियर पोर्शन ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन कर्व पायलट, राइट, एंड ऑफ द ट्रांसमिशन कर्व का जो लीनियर पोर्शन है उसको एक्सट्रापोलेट करना है। तो ये हमारा ट्रांसमिशन कर्व है और ये एंड यहां पे हो रहा है, यही कर्व बना, और इस कर्व पार्ट में ये पार्ट लीनियर है, राइट, जहां पे मेरा माउस पॉइंट होवर कर रहा है, करेक्ट। अब इसको कहां पे इट हैज टू बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो, तो मतलब इधर की तरफ आकर के जीरो की तरफ लेकर के आना। तो एक स्ट्रेट लाइन यहां से जो खींचेंगे, ये जीरो से जो मिलाएगा, करेक्ट, इस स्ट्रेट पोर्शन के थ्रू होकर के पास करेगा, वो पॉइंट हमें मिल रहा है ये जो आर ई वाला। अब यहां से जो पॉइंट बना है, यहां से एक लाइन खींचेंगे तो जाकर के इस एक्सिस पे बनेगा आर ई, एक्सट्रापोलेटेड रेंज। गॉट इट? आई होप ये क्लियर हुआ। आगे चले। नाउ चार्ज पार्टिकल्स जो है आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिफिनिट रेंज इन ए गिवन एब्जॉर्वर मटेरियल। द रेंज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बियॉन्ड विच नो पार्टिकल्स विल पेनिट्रेट। रेंज क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज इट रेंज इंडिकेट्स? रेंज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, रिप्रेजेंट्स अ डिस्टेंस बियॉन्ड विच नो पार्टिकल्स विल पेनिट्रेट। मतलब यदि आपने रेंज बता दिया और ये रेंज मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मिला है कि यहां से लेकर के यहां तक है, समझ गया, तो इसका मतलब हुआ कि इससे आगे कोई भी पार्टिकल नहीं जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड विच नो पार्टिकल्स विल पेनिट्रेट। रेंज ये इंडिकेट करता है। नाउ इन पार्टिकुलरली क्लोज इनकाउंटर्स, यदि क्लोज इनकाउंटर्स होगा तो एन इलेक्ट्रॉन मे अंडरगो ए लार्ज इनफ इंपल्स दैट आफ्टर हैविंग लेफ्ट इट्स पैरेंट एटम इट स्टिल मे हैव सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी टू क्रिएट फर्दर आयंस। देखो जब चार्ज पार्टिकल का इनकाउंटर हो रहे हैं, जो हेवी चार्ज पार्टिकल जो है जब भी इनकाउंटर कर रहा है तो वो किसके साथ इनकाउंटर कर रहा है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जो उसने एनर्जी दिया, इम्पार्ट किया, राइट, वो एनर्जी ऐसा हो सकता है, इट कैन बी, वो इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन हैव सफिशियंट एनर्जी, अभी भी है इसके पास, राइट, दैट आफ्टर लिविंग इट्स पेरेंट्स एटम स्टिल इट मे हैव सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी, राइट, टू क्रिएट फर्दर आयंस। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही जो निकल रहा है वो खुद क्रिएट कर सकता है आयन पेयर्स, दूसरे किसी न्यूट्रल एटम को आयनाइज कर सकता है, राइट, इट माइट बी पॉसिबल। दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड डेल्टा रेज एंड रिप्रेजेंट्स इनडायरेक्ट मीन्स बाय विच द चार्ज पार्टिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक है। तो कई बार ना एग्जामिनर ना ये भी पूछता है कि ये डेल्टा रेज क्या है, तो डेल्टा रेज कहां से आ रहा है? यही एनर्जेटिक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास अभी भी सफिशियंट एनर्जी है कि फर्दर आयंस को क्या करे, मतलब सॉरी फर्दर न्यूट्रल एटम्स को आयनाइज कर सके, नहीं,
मतलब किसी दूसरे न्यूट्रल एटम्स को आयोनाइज कर सके, करेक्ट। एंड दिस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड डेल्टा रेज, और ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, एंड इट रिप्रेजेंट्स एन इनडायरेक्ट मीन्स बाय विच द चार्ज पार्टिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एब्सॉर्बिंग मटेरियल। ये एक तरीका है, करेक्ट, कि चार्ज पार्टिकल जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उसने अपनी एनर्जी जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर करी, वो एनर्जी इतनी सफिशियंट है उसके पास कि एटम से बाहर निकलने के बाद भी कि दूसरे न्यूट्रल एटम्स को आयोनाइज कर सकता है। तो वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम्स को भी आयोनाइज कर सकता है उसको लोग कुछ लोग डेल्टा रेज भी बोलते हैं, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो अपना एनर्जी जो है एब्जॉर्बिंग मटेरियल में डेसिपेट करता है, राइट। ठीक है जी, क्लियर। अंडर टिपिकल कंडीशंस द मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी लॉस ऑफ द चार्ज पार्टिकल अकर्स वाया दीज डेल्टा रेज। क्या बोला? Under typical conditions, the majority of the energy loss of charged particle, right, occurs via these delta rays. मतलब एक charged particle जो है, वो उसने एक encounter करा, अपनी energy maximum energy transfer कर दी electron को, समझ गए? तो क्या करेगा? वो electron तो energetic enough है, उधर से वो अपने further ionization शुरू कर दिया। हो सकता है कि वो भी किसी को आयनाइज करे, उसके पास भी स्टिल हो ज्यादा, इस टाइप की भी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो ये डेल्टा रेज जो है यही बोल रहा है कि अंडर किसी एक टिपिकल कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ एनर्जी लॉस, मतलब चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल मान लो कि इंटर किया, या इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, या पॉजिट्रॉन इंटर किया है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, मेजोरिटी लॉस जो हो रहा है उसका एनर्जी का, मान लो कि 90% एनर्जी लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल माइट बी ड्यू टू डेल्टा रेज, इस टाइप के प्रोसेस से हो सकता है उसका एनर्जी लॉस हो, यही बोल रहा है। मेजोरिटी ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल अकर्स बाय दिस डेल्टा रेज, द रेंज ऑफ द डेल्टा रेज इज ऑलवेज ए स्मॉल कंपेयर्ड विद द रेंज ऑफ द इंसिडेंट चार्ज पार्टी इंसिडेंट चार्ज एनर्जेटिक पार्टिकल्स, मतलब नेचुरली, क्योंकि इसका रेंज जो होगा वो हमेशा डेल्टा रेज का एनर्जी जो होगा वो रेंज जो होगा वो कम होगा, राइट। जो प्राइमरी वाला जो था, जो चार्ज पार्टिकल जो था उसके रेंज से, सो द आयोनाइजेशन इज स्टिल फॉर्म्ड क्लोज टू द प्राइमरी ट्रैक। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी जो आयोनाइजेशन जो होगा, जैसे मान लो कि अल्फा पार्टिकल जो चल रहा था यहाँ पे, तो वो तो जिस रास्ते जिस जो ट्रैक पे चल रहा था उसी ट्रैक के आसपास में ज्यादा आयन पेयर्स बने थे, करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि यदि डेल्टा रेज से भी जो होगा, तो डेल्टा रेज इसका तो एक रेंज होगा, लेकिन डेल्टा रेज जो बनेगा, डेल्टा रेज से भी जो आयोनाइजेशन जो होगा, तो डेल्टा रेज का भी एक रेंज बनेगा, लेकिन ये रेंज जो होता है ये प्राइमरी वाला से कम होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी जो डेल्टा रेज का जो आयोनाइजेशन जो होगा, इट विल बी क्लोज टू द पार्टिकल ट्रैक, उसके पास में ही होगा, आसपास में ही होगा, दैट्स व्हाट इट सेज इज ऑलवेज। यही लाइन फिर से रिपीट करते हैं, देखो, द रेंज ऑफ द डेल्टा रेज इज ऑलवेज स्मॉल कंपेयर्ड विद द रेंज ऑफ द इंसिडेंट एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, सो द आयोनाइजेशन इज स्टिल फॉर्म्ड क्लोज टू द प्राइमरी ट्रैक। ठीक है, प्राइमरी ट्रैक के क्लोज ही जो होगा आयोनाइजेशन होगा बाई डेल्टा रेज। क्लियर, चले आगे। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल, इसीलिए तो आप लोग, ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्लियर, इंटरेक्शन ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं।
अभी तक हमने हेवी चार्ज पार्टिकल की बात करी थी, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन में भी हमने क्या बोला, फास्ट इलेक्ट्रॉन, फास्ट इलेक्ट्रॉन में सुसु वेलोसिटीज आते हैं वो। चलो, व्हेन कंपेयर्ड विथ हेवी चार्ज पार्टिकल्स, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी एट लोअर रेट एंड फॉलो ए मच मोर टॉर्चरस पाथ थ्रू द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। क्या होता है, पहले चीज देखो, व्हेन कंपेयर्ड विद द हेवी चार्ज पार्टिकल, याद रखिएगा हमेशा जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कंपेरिजन विथ लिखा हुआ है, इट्स नॉट, डोंट रीड इन आइसोलेशन, राइट? इफ यू रीड इन आइसोलेशन फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज दिस, देन यू विल हैव द कंफ्यूजन। इट्स वेरी क्लियर, व्हेन कंपेयर्ड विथ हेवी चार्ज पार्टिकल, इन कंपेरिजन विद द हेवी चार्ज पार्टिकल, फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, what it does, it lose their energy at lower rate, right? Means lower rate means the distance it will travel, alpha particle, its energy they will lose, it will be something like this rate, you got it? Or in case of electron, same fast electron, this is for alpha particle, this is for fast electron. To ye sharp strip line nahi hoga, it will be something like this, slow, got it? Rate ka fark hai, dekho, lower rate means jadi maan lo ki aap aise karke randomly jadi graphically karoge, isko graph draw karne ki koshish karoge, to suppose karo ye aayega aapka alpha particle ke liye aa raha hai, jadi is tarah se jadi alpha particle apna energy loss kar raha hai, तो हमारा बीट जो फास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन का समथिंग लाइक दिस होगा, समझ गए? दिस विल बी समथिंग लाइक दैट, दिस विल हैव द फास्ट इलेक्ट्रॉन, गॉट इट? तो ये बोल रहे हैं लोअर रेट। एंड एक और बात है, नॉट ओनली दिस, एंड it says and follow a much more torturous path, ठीक है, through absorbing material, मतलब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का, फास्ट इलेक्ट्रॉन का आपका पाथ होगा टॉर्चरस, इधर से इधर जाएगा ऐसे करके, राइट? जबकि हमने अल्फा पार्टिकल में क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का पाथ ये भी हो सकता है ऐसे करके, फिर वापस आ सकता है, हो सकता है इट माइट ट्रेवल बाय दिस वे आल्सो, इट माइट बी, इट माइट हैव दिस पाथ आल्सो, दिस विल बी द डिफरेंस। सो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिला, पहला का एक तो पाथ इसका टॉर्चरस होगा, राइट, और दूसरा क्या होगा, एनर्जी लॉस, लोअर रेट होगा कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, दोनों ही चीजें, कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल इसका पाथ टॉर्चरस होगा, कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल रेट ऑफ एनर्जी लॉस जो होगा वो इसका स्लो होगा फास्ट इलेक्ट्रॉन का, सो दिस विल बी द डिफरेंस, ठीक है जी? लार्ज डेविएशंस इन द इलेक्ट्रॉन पाथ पाथ आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज इंटरेक्टिंग। क्यों? अल्फा पार्टिकल बोला कि फास्ट इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होगा वो लार्ज डेविएशंस क्यों होगा, मतलब एक पाथ से दूसरे पाथ लार्ज डेविएशंस क्यों होगा, लार्ज डेविएशंस इन इलेक्ट्रॉन पाथ आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स मास, उसके मास के कारण, क्योंकि इट्स मास इज इक्वल टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब विथ विच इट इज इंटरेक्टिंग, राइट? दूसरा, एंड ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी कैन बी लॉस्ट इन ए सिंगल इनकाउंटर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, कि एक ही इनकाउंटर में फास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज कर सकता है, ठीक है? एक तो लार्ज डेविएशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसका मास, जो इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट इलेक्ट्रॉन भी वही इलेक्ट्रॉन है,
जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का और दोनों का मास बराबर है, राइट। तो जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी ये लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो इनके में लार्ज डेविएशन, जो पाथ जो बन के आएगा, जो फाइनल, जो ये ट्रेजेक्ट्री जो जो यहाँ पे हमने दिखाई थी, दिस डेविएशन विल अकर, करेक्ट। किसी का ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा बोला कि मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब एक इनकाउंटर में वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है, या लार्जर पोर्शन ऑफ एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ओके। वो कोलिजन थ्योरी से आएगा, वो फिर वो करके निकालना पड़ेगा, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझना, राइट, ठीक है। इन एडिशन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन विच कैन एब्रॉप्टली चेंज द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन समटाइम्स ऑकर्स। एक तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ बता दिया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ यदि फास्ट इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, लार्ज डेविएशन होगा, लार्ज अमाउंट, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है सिंगल इनकाउंटर में वो दे सकता है। दूसरा क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट करे, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे, उसके फील्ड के साथ इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, करेक्ट। और उस केस में देखो, जब न्यूक्लियर इंटरेक्शन न्यूक्लियस के पास में जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाता है, देखो ये ब्रामस्टेलंग रेडिएशन आता है, ठीक है जी, सही है। बाकी तो एक्साइटेशन और रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है। तो तीन तरह की चीजें हो गई, एक जब फास्ट इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो एक्साइटेशन भी हो सकता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और यदि वो न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्शन होगा, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर फील्ड में इंटरेक्शन होगा, तो उस केस में ब्रामस्टेलंग रेडिएशन इमिट होगा, जो एक्सरे जो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट सेज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन विच कैन एब्रप्टली चेंज द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन समटाइम्स अकर्स। तो उस केस में क्या होगा, जब न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो एकदम से चेंज होगा, एब्रप्टली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे टॉर्चरस पाथ में दिखाया, वो एक ही डायरेक्शन से उधर की तरफ जा रहा था कहीं भी, लेकिन यहाँ पे इधर से आते शार्प जा तो रहा था इधर, उसने दूसरे रास्ते ले लिए, राइट ना, इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे आकर के इसने ऐसा चेंज कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रामस्टेलंग रेडिएशन आया। सो नाउ वी आर अंडर सब सेक्शंस में आ गया, इंटरेक्शन ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर में हम क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम हेवी चार्ज पार्टिकल इन दैट एनर्जी मे बी लॉस्ट बाई रेडिएटिव प्रोसेस एज वेल एज बाई कूलम्ब इंटरेक्शन। देखो दो चीज बात बोली, हेवी चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन और हेवी चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन कहां पे डिफर कर रहा है, डिफर फ्रॉम हेवी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम हेवी चार्ज पार्टिकल इन दैट क्या, द एनर्जी मे बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी लॉस्ट बाई रेडिएटिव प्रोसेस एज वेल एज बाई कूलम्बिंग इंटरेक्शन। हमने क्या क्या बताया था, जब हम अल्फा पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला, प्राइमरीली वर्ड यूज करा था, राइट, इट लूजेज इट्स एनर्जी बाई कूलम्बिक इंटरेक्शन। सो कूलम्बिक इंटरेक्शन से वहां पे लूज कर रहा था, यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इट विल लूज एनर्जी, इट मे लूज एनर्जी यूजिंग रेडिएटिव प्रोसेस एज वेल एज बाई कूलम्बिक इंटरेक्शन। These radiative losses take the form of Bramsteelung. वही radiative process जो है, radiative loss क्या है, Bramsteelung और electromagnetic radiation which can emanate from any position along the
इलेक्ट्रॉन ट्रैक, उस इलेक्ट्रॉन ट्रैक के किसी भी पोजीशन से हो सकता है ब्रेम्स लॉ होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होएगा। क्लियर? ओके। फ्रॉम क्लासिकल थियरी एनी चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी व्हेन एक्सेलरेटेड एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स इंटरेक्शंस विद एब्जॉर्बर कोरस्पॉन्ड टू सच एक्सेलरेशन। देखो ये जो बोल रहे हैं इसको समझो। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी चार्ज, एनी चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी, कब? व्हेन एक्सेलरेटेड। यदि चार्ज को एक्सेलरेट करोगे, एनी चार्ज मस्ट रेडिएट एनर्जी व्हेन एक्सेलरेटेड, यदि चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे मतलब वो मूव तो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, समझ गए? एक्सेलरेटेड होना चाहिए। तो यदि एक्सेलरेशन है उस चार्ज पार्टिकल के अंदर तो वो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरी बात बोल रहे हैं, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स इंटरेक्शन विथ एब्जॉर्बर कोरस्पॉन्ड्स टू सच एक्सेलरेशन। कहां से उसको एक्सेलरेशन मिलता है? डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इंटरेक्शन। देखो डिफ्लेक्शन कैसे होएगा, दो चीज होएगा, या कुलम्बिक जब भी होगा तो चार्ज पार्टिकल है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से देखोगे, और ये इलेक्ट्रॉन भी है, फास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कहां से आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होएगा, अट्रैक्शन तो ना, अल्फा पार्टिकल होगा तो अट्रैक्शन होगा, राइट? तभी भी डिफ्लेक्शन होएगा आएगा, और अल्फा पार्ट मतलब उसका पाथ तो चेंज हो ही जाएगा, या तो पुल करेगा उसको, राइट? और यहां पे क्या कर रहा है, और बाय फास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो तेजी से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है जो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, तो इसके चलते उसमें डिफ्लेक्शन होगा, उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, करेक्ट? और जब पाथ में डिफ्लेक्शन होएगा, ये एक्स्ट्रा जो फोर्स जो लगाएगा ना, उसके चलते वो एक्सेलरेट होएगा, समझ गए? करेक्ट। और जो न्यूक्लियर, जो ब्रेमस्टोन जहां पे तुम देख रहे हो, वहां पे तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के जब फील्ड में आ रहा है तो पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव है, तो वहां पे एकदम से सर्टेन पुल जो होगा उसको एक्सपीरियंस करेगा, उसको खींचेगा तेजी से, तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। बेसिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा जब न्यूक्लियर फील्ड में जाएगा, तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पुल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। इसलिए जब न्यूक्लियर, जब भी वो न्यूक्लियर फील्ड से के पास में जब आएगा तो उसको एनर्जी रेडिएट करना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, दैट्स व्हाट वो बोल रहा है। तो वही जो एनर्जी जो जो रेडिएट करता है वो ब्रेमस्टोन रेडिएशन बनता है वहां पे, ठीक है? तो उसको यहां पे दो चीज उसने बताया था। एक चीज पहला क्या बताया था कि डिफ्लेक्शन कहां से आ, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटरेक्शंस विद एब्जॉर्बर कोरस्पोंड्स टू सच एक्सेलरेशंस, उससे एक्सेलरेशंस उसको मिलता है। अदरवाइज जो उसके तो एक पर्टिकुलर एनर्जी थी उसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, यदि उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, राइट, तब तक वो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और जैसे उस डिफ्लेक्शन से उसको एक्सेलरेशन मिलता है, और उस एक्सेलरेशन से फिर वो एनर्जी लॉस करता है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है, जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो रेडिएशन एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करेगी। नाउ इट्स क्लियर? फास्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ए सिग्निफिकेंट यील्ड ऑफ ब्रेमस्टोन। क्या बोला, फास्ट इलेक्ट्रॉन के केस में ब्रेमस्टोन का अमाउंट जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब अच्छा खासा अमाउंट का ब्रेमस्टोन रेडिएशंस निकलेगा, राइट? रेडिएटिव लॉसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जीज,
राइट मतलब यदि हाई नेचुरली फास्ट इलेक्ट्रॉन इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, वेलोसिटी है तो उसके पास एनर्जी है राइट और रेडिएटिव लॉसेस कहाँ कहाँ पे होएगा, एक केस है कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के केस में होएगा एंड फॉर एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऑफ लार्ज एटॉमिक नंबर, जो लार्ज एटॉमिक नंबर का दो कंडीशन जब मैच करेगा, लार्ज एटॉमिक नंबर और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में रेडिएटिव लॉसेस ज्यादा होंगे, करेक्ट ठीक है। इसीलिए एक काम करा जाता है यहाँ पे, ये जो देखो यहाँ पे ना एक फिगर, पता नहीं आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे मुझे नहीं पता, देखो तो क्या लिखा, कुछ अरेंजमेंट फॉर शील्डिंग बीटा एंड पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सॉल्यूशंस, मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बोला है ग्लास और प्लास्टिक वॉल्स ऑफ ए वायल, वायल जो है बीटा पार्टिकल्स, हाँ क्या लिखा, खैर एनीवे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीटा पार्टिकल्स है, हाँ बोलो बोलो, वॉल्स ऑफ ए वायल स्टॉप द बीटा पार्टिकल, स्टॉप्स द बीटा पार्टिकल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये हाई एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल को जो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो सील्ड करना पड़ता है, तो ये ग्लास का वायल के बाद यहाँ पे या प्लास्टिक के चाहिए हमें, ये प्लास्टिक का वायल हो या ग्लास का वायल हो, मतलब लो एटॉमिक मटेरियल एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो लार्ज एटॉमिक नंबर का नहीं होना चाहिए, लो एटॉमिक, क्यों, क्योंकि उस केस में हम रेडिएटिव लॉसेस कम कर सकते हैं, तो ये रेडिएटिव लॉसेस कम करने के लिए ही, या ब्रेमस्लंग का अमाउंट कम करने के लिए, इन अदर वर्ड्स राइट हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक या ग्लास के स्मॉल मटेरियल्स में ही बीटा पार्टिकल के सॉल्यूशंस को रखते हैं या बीटा पार्टिकल्स रखते हैं, रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन कंटेनिंग बीटा पार्टिकल्स आर केप्ट इन दिस। उसके बाद यहाँ उसके बाद जाकर के उसके आउटर में हम लोग क्या करते हैं, लेड लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट शील्डिंग जो होगी वो प्लास्टिक या बीटा की होगी, जस्ट टू रिड्यूस ब्रेमस्लंग, क्योंकि हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल है तो उसको ऐसे सील्ड करेंगे, और बाकी जो भी एक्सरे जो यहाँ से जो निकलेगा वो लेड से सील्ड हो जाएगा, ठीक है जी, चले आगे। सो बहुत बढ़िया, सो कंटिन्यूइंग स्पेसिफिक एनर्जी लॉस अभी चल रहा है, द टोटल लीनियर स्टॉपिंग पावर फॉर इलेक्ट्रॉन, अब देखो वहां पर भी हमने स्टॉपिंग पावर की कल भी बात करी थी राइट, अब चूंकि फास्ट इलेक्ट्रॉन के पास दोनों ही प्रोसेस से इसका क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो दोनों ही कंपोनेंट जो आएंगे वो स्टॉपिंग पावर के साथ आएंगे राइट, तो टोटल स्टॉपिंग लीनियर स्टॉपिंग पावर क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ कोलिजनल एंड रेडिएटिव लॉसेस, कोलिजनल लॉस जो है वो वही है कुलम्ब वाला है, और रेडिएटिव लॉस जो ब्रेमस्लंग वाला जो हमने देखा, जो एक्सेलरेट हो जाएगा उस एक्सेलरेशन के चलते जो चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, तो दोनों से जोर करके इसका स्टॉपिंग पावर बनेगा फास्ट के लिए, सो इसीलिए लिखा डी बाई डी एक्स, मतलब एनर्जी लॉस पर यूनिट डिस्टेंस राइट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ड्यू टू कोलिजनल लॉस प्लस डी बाई डी एक्स ड्यू टू रेडिएटिव लॉस, द रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक आयनाइजेशन लॉस इज गिवन अप्रोक्सीमेटली, रेशियो किसका किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ रेडिएटिव लॉस डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ कोलिजनल लॉस इज इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई जेड डिवाइडेड बाई 700, ये एक ही क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ई जेड डिवाइडेड बाई 700, अब ई जो है वो एनर्जी हो गई और जेड जो हो गया वो एटॉमिक नंबर बन गया राइट, और देखो कोलिजनल लॉस फिक्स्ड, ये 700 से ये तो फिक्स्ड पैरामीटर हो गया डिवाइडेड बाई 7, तो वेरिएबिलिटी किस से बनी, ई और जेड से ही बनी, और जितना ई बढ़ेगा तभी भी ये रेशियो बढ़ेगा, तो इस रेशियो के बढ़ने का मतलब क्या है कि रेडिएटिव लॉस बढ़ेगा, क्योंकि रेडिएटिव डिवाइडेड बाई कोलिजनल है ना,
करेक्ट. सो रेडिएटिव डिवाइडेड बाई कोलिजनल मतलब रेडिएटिव लॉस के इंक्रीज होने का रीजन क्या है, उसका एनर्जी का इंक्रीज होना या उसका एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना. तो ये जैसे भी जब भी ये इंक्रीज करेगा ये भी बढ़ेगा, उसी का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहां पर भी दिया था. वेयर ई इज इन द यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे जो डेरिवेशन जो हुआ इस क्वेश्चन का, वहां पे एश्यूम किया गया है कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगी, इसीलिए वो फैक्टर 700 और बाकी चीजें आई हैं सॉल्व करके. तो जब भी इस इक्वेशन को यूज करना होगा तो इंश्योर दैट कि एनर्जी जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं है तो कन्वर्ट करो तब इस इक्वेशन को यूज करोगे आप लोग. ठीक है जी. फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेस्ट हियर सच एज बीटा पार्टिकल्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गामा रे इंटरेक्शंस, मतलब दो तरह से बन सकता है हमारे पास. देखो हमने पहले भी बोला था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्लाइड में भी बोला है कि इंटरेक्शन जो होता है वो फाइनली जो एनर्जी लॉस जो होएगा, एक तो चार्ज पार्टिकल का होएगा, दूसरा फोटोन जो है वो अल्टीमेटली फोटोन भी इलेक्ट्रॉन ही निकालता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. तो वही वाली बात बोली यहाँ पे, सच एज बीटा पार्टिकल का इंटरेक्शन हो या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होगा हमारे इंटरेक्शन के फलस्वरूप. टिपिकल एनर्जीज आर लेस देन ए फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोग जो यूज करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में जनरली, या कहीं पर भी जहां पे आप यूज कर रहे हो जिसकी एनर्जी जो है इट इज लेस देन फ्यू एमईपी. देयरफॉर रेडिएटिव लॉसेस आर ऑलवेज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन एंड आर सिग्निफिकेंट ओनली इन एब्जॉर्वर मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर. मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि इस इक्वेशन को आप इंटरप्रेट करते वक्त आप ध्यान क्या रखना है, चूंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में या कहीं भी यदि जो ये एनर्जी वाला पार्ट जो है यदि लेस देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये ऐसे भी इसका एक वैल्यू को कम करेगा. एमईबी में कन्वर्ट करोगे ना तुम, यदि लेस देन एमईबी तो पॉइंट डेसिमल्स में आएंगे, तो मेजर सिग्निफिकेंट क्या बन जाएगा आपका, जेड बन जाएगा ना, फिर तो वो भी फिक्स हो जाएगा ना, और वो लो वाले पे जाके मतलब ये हो जाएगा. वही वाली बात बोल रहा, फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेस्ट हियर जो बीटा पार्टिकल या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गामा इंटरेक्शंस, टिपिकल एनर्जीज आर लेस देन ए फ्यू एमईवी. देयरफॉर रेडिएटिव लॉसेज आर ऑलवेज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस राइट ड्यू टू and ionization and excitations, correct? Yes, sir. And are significant only in absorbing materials of high atomic number. तो high atomic number होगा वहीं पे जा करके ये significant होएगा. Radiation losses जो होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि few less than few MeV के केस में excitation radiative loss तो दोनों ही बने देते हैं ना. Ionizations वो क्या बोलते हो या एक्साइटेशन, दोनों में तो एनर्जी निकल रही है ना, दोनों ही के एट द एंड में जाकर के वही एनर्जी निकले, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फिर आपकी जंपिंग शुरू होगी वहां से भी आएगा राइट. क्लियर. सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना यहाँ पे, यस एनर्जी और एटॉमिक नंबर का प्ले. यदि दोनों ही ज्यादा है, E भी ज्यादा है और Z भी ज्यादा है, तो उस केस में रेडिएटिव लॉस ज्यादा होगा. ठीक है जी. तो हम लोग होप यहीं पे हम लोग एंड करते हैं राइट, और बाकी आगे की चीज जो होगी इससे आगे डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर from again electron range and the transmission coefficient related. Okay, so we'll stop it here. Huh?